अस्सलाम वालेकुम। आज के जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है सफूरा जरगर के लिए। और आप सभी को पता हो कि सफूरा जरगर प्रेग्नेंट थी जब उनको अरेस्ट किया गया, और अभी भी वो जेल में है। एक जब जामिया में प्रोटेस्ट चला था एनआरसी सीए का, तो उस वक्त राम भक्त गोपाल बोल के एक आतंकवादी जामिया के बाहर आता है, वो गोली चलाता है, उसके बाद उसको पुलिस छोड़ देता है। उसको यूएपीए उसके ऊपर नहीं लगता है। और एक कपिल गुर्जर बोल के एक लड़का है जो शाहीन बाग के बाहर भी आके गोली चलाता है, उसके भी बाद में उसको बेल मिल जाता है। और सफूरा जरगर एक जो लड़की है जो एक प्रेग्नेंट थी, बस उनका गलती सिर्फ एक ही था कि डेमोक्रेटिक कंट्री में एक प्रोटेस्ट करना जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, बस वो प्रोटेस्ट कर रही थी, अपना हक के लिए लड़ ली थी, अपनी देश के लिए लड़ ली थी, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ ली थी, और अपनी हक के लिए आवाज उठा रही थी। तो उनको आज जेल में रखा गया है, और अभी ऐसा हालात है कि डॉक्टर कह रहे कि उनका बच्चे भी नष्ट हो सकते हैं, तो उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। बहुत जुल्म हो रहा है सफूरा जरगर के साथ। और मेरा गुजारिश है कि आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि मुझे पता है कि लोग अपना लाइफ में बहुत बिजी हो गए, लोग अपना काम कर रहे हैं, लोग खा रहे, पी रहे, सो रहे, कोई नौजवान साथी मेरे दोस्त कोई पबजी में बिजी है, कोई नेटफ्लिक्स में है, कोई अमेजन प्राइम में है, कोई भी अपना दुनिया अपने जो भी जो चाहते वो कर रहे हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, करो, वो तुम्हारी खुशी है, उसे कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। पर एक बात सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ सभी को, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता सफूरा जरगर जो जेल में है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डॉक्टर कफील के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूँ कि जब वो एनआरसी के लिए लड़ रही थी तो वो खुद के लिए नहीं लड़ रही थी, वो मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए वो लड़ रही थी। तो क्या आज हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनके लिए खड़े हो? अगर आपसे, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सड़क में उतर जाओ, आप दंगा करो, आप लड़ाई करो, कम से कम आप सोशल मीडिया में आवाज तो उठा सकते हैं कि रिलीज सफूरा जरगर। क्या आज वो हमारी माँ होती, हमारी बहन होती, तो क्या दर्द होता है? क्या हम वो फील कर सकते हैं उनके साथ क्या बीत रहा है? कोमल शर्मा जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में घुस के तोड़ भंग किया, उसको कुछ नहीं हुआ। राजनीति तिवारी जो भड़काव भाषण दी जाफराबाद दिल्ली का दंगा में, उसको कुछ नहीं हुआ। पर एक स्टूडेंट सफूरा जरगर, उसका सिर्फ क्राइम यही था कि वो प्रोटेस्ट कर रही थी, अपना हक के लिए लड़ रही थी। तो बस मेरा गुजारिश आप लोगों से कि आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ नहीं अगर कर सकते तो वीडियो शेयर कीजिए, ये हैशटैग लिखिए कि रिलीज सफूरा जरगर। और मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया में एक ऐसा तहलका मचाइए आप इस सफूरा जरगर को कि बेल मिले, क्योंकि हमारा जिम्मेदारी है कि जो हमारे लिए लड़ा है, जो हमारे लिए आवाज उठा रहा था, आज अगर वो आज परेशान है तो हमारा जिम्मेदारी है कि उनके साथ भी हमें खड़ा होना चाहिए, चाहे वो सफूरा जरगर हो, चाहे वो डॉक्टर कफील हो। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया भी कब्जा हो चुका है। आप एक चीज देखिएगा, हम लोग अगर सच बात करते, हक बात करते, हम लोग का प्रोफाइल फ्रीज किया जाता है, हम लोग का पोस्ट को रिपोर्ट कर करके उसको पब्लिक तक रीच नहीं होती है, ना अपना लोग ये वीडियो शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाइए, खुद वीडियो बनाइए, खुद आप अपना आवाज उठाइए, या तो अगर कोई सच बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो उसको शेयर कीजिए। कम से कम सोशल मीडिया में तो हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपना आवाज बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट का बहुत ताकत है। मैं कहना चाहता हूं और एक बात, वो लोग नफरत फैला रहे, बीजेपी आरएसएस आईटी से नफरत, फेक न्यूज फैला रहे, नफरत फैला रहे हिंदू मुसलमान के बीच में। उन लोग देखिए कितना एक्टिव है सोशल मीडिया में, कि मोदी जी ने कुछ किया नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना देश के लिए किया, ना देश का जनता के लिए किया, ना नौजवान के लिए किया, किसी के लिए कुछ मोदी जी ने किया नहीं है। सिर्फ 1 GB फ्री डेटा दे दिया, और उन लोगों को 2 काम दिया, बोला कि एक तो तुम सबका जो हक बोलते हैं, जो सच बोलते हैं, जो हमें एक्सपोज करते हैं, उनका प्रोफाइल में घुस घुस कर रिपोर्ट करो, और दूसरा चीज तुम फर्जी इन्फॉर्मेशन नफरत को प्रमोट करो। वो लोग कर रहे, तो हम सच और हक को क्यों नहीं प्रमोट करें? अगर कोई सच बोल रहा, हक बोल रहा, हम उसे सपोर्ट क्यों ना करें, हम उसे शेयर क्यों ना करें? बस मेरा गुजारिश है आप लोगों से कि वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप कर सकते तो और भी बढ़िया बात है कि सफूरा जरगर के लिए आवाज उठाइए, डॉक्टर कफील के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि आज वो बहुत परेशान है, प्रेग्नेंट है, उसका वो डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा भी नष्ट हो सकता है, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, बहुत जुल्म हो रहा है सफूरा जरगर के ऊपर। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, सफूरा जरगर के लिए आवाज उठाइए, और ये वीडियो शेयर कीजिए, खुद वीडियो बनाइए, हर जगह हैशटैग रिलीज सफूरा जरगर। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह सबसे बड़ा है, जरूर उनको इंसाफ मिलेगा, भरोसा है किसी के ऊपर हो ना हो, मोदी चाचा तो कुछ करने वाले है नहीं, पर अल्लाह सबसे बड़ा है, जरूर इंसाफ मिलेगा। बट हम लोग को लड़ना है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कहीं भी हो, हम लोग को लड़ना है, हक का आवाज हमेशा बुलंद रखना है। बस ये वीडियो जरूर शेयर करना, और सफूरा जरगर के लिए ये आवाज बंद नहीं होना चाहिए। खुदा हाफिज़।